गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी इस होटल को चेकआउट कर रहे हैं। इट्स अराउंड 8:30 AM इन द मॉर्निंग। तो चलो सीधा गाड़ी में मिलते हैं। इस होटल का डिस्क्रिप्शन, इस होटल का जो मतलब एड्रेस एंड ऑल दैट, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलो अभी अपनी मुंबई की तरफ जर्नी चालू कर देते हैं। अराउंड 800 किलोमीटर है। मैप अभी डालूंगा मैं और आपको बताऊँगा। चलो फटाफट गाड़ी में मिलते हैं। ऑल राइट पीपल, सो इट्स शोइंग 13 hours and 40 minutes अप्रॉक्सीमेटली, एंड किलोमीटर्स आर 754 टिल मुंबई। तो चलो अभी शुरू करते फटाफट। 9:15 हो रहे हैं। मोस्टली ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए सुबह सुबह, तो देखते हैं अभी। गणपति बापा मोरिया। तो बेसिकली इस रोड पे मेक श्योर दैट यू विल स्टे इन दिस लेफ्ट लेन ओनली, इवन दो इट इज़ अ नेशनल हाईवे। यहाँ पे स्ट्रे कैटल्स का बहुत इशू है, जो गाय भैंस और जो है लोकल्स के, वो बीच बीच में आते हैं। अभी तो जब मैं शाबी में शूट कर रहा हूँ तभी तो नहीं दिख रहे, लेकिन पीछे मुझे बहुत दिख रहे थे और मेरा स्पीड काफ़ी ब्रेक हो रहा था। सो मेक श्योर दैट यू विल स्टे ऑन दिस लेफ्ट लेन, क्योंकि डिवाइडर से कभी भी आ सकती है गाय और भैंस। तो वन हैज़ टू बी रियली केयरफुल, सो मेक श्योर दैट यू विल स्टे इन दिस लेफ्ट लेन ओनली, एंड यू नो मेक श्योर दैट यू विल मेंटेन अ हेल्दी स्पीड ऑफ 80 or 70, क्योंकि ये रोड है वैसे अच्छा, लेकिन इट्स नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग 100 km/h, यू नो पर आवर काइंड, मतलब 100 के लायक इतना नहीं है रोड, क्योंकि कर्व्स बहुत आते हैं। अभी तो स्ट्रेट दिख रहा है, बट थोड़े से कर्वी है रोड्स कारवार तक। तो मेक श्योर दैट यू विल फॉलो दिस। तो भाई मस्त पैकी उपमा ले लिया, इडली तो नहीं मिला लेकिन उपमा मिल गया गरम गरम। चलो अभी खाते हैं। मस्त पैकी चाय पी रहे अभी गर्मा गर्म। सो वी आर ऑन NH 63 नाउ। दिस रोड गोज थ्रू येल्लापुर। येल्लापुर का जो रास्ता है वो काफी सीनिक है, मैंने मतलब बहुत यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा है। इट्स क्वाइट सीनिक रूट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको नज़ारे दिखाता जाऊंगा। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। दिस रूट इज़ रियली नाइस, पूरा सीनिक है। अभी बीच बीच में धूप आ रही है लेकिन पूरी ग्रीनरी है, इट्स ऑसम। मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। आई एम एबल टू मेंटेन 70-80 काइंड ऑफ अ स्पीड। बीच बीच में कुछ गांव आ रहे हैं और स्ट्रे कैटल्स तो है, यहाँ पे भी है वो प्रॉब्लम। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। आप जब रोड देखते हो तो एकदम दूर की तरफ देखो, ताकि यू नो आपको अंदाज़ा आ जाए कि कब ब्रेक मारनी है, क्योंकि अचानक से कोई सामने, कभी भी स्ट्रे कैटल सामने आ जाते। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस पैच। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो तो इडली सांभर का और एक राउंड ले लिया। जस्ट स्टॉप्ड हियर फॉर स्ट्रेचिंग ब्रेक, लेकिन मैं सोचा थोड़ा खा लूँ यार, क्योंकि कंटाला आ रहा है। चाय भी पीऊँगा मैं अभी। तो अभी चाय पी रही अपने टिपिकल स्टाइल में। मस्त पे की गर्मा गर्म चाय मिल गई यहाँ पे। सफर
just stopped here for a stretching break. So यहाँ से बेलगांव 92 है, खानापुर 70 है. तो बेलगांव से अपने को NH 48 लगेगा, सो इट विल बी गुड नेशनल हाईवे. ये देखो रास्ता, गाड़ी यहाँ पे लगा दी. ये पूरा फॉरेस्ट रूट है यलापुर के बाद, तो काफ़ी सीनिक है. थोड़ा सा रास्ता ख़राब है बट ठीक है यार, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं. चलो कंटिन्यू करते हैं. एंड दिस इज स्टेट हाईवे 93. काफ़ी लंबा स्ट्रेच है यार, बट रोड काफ़ी सीनिक है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के. आगे तो बोरिंग हाईवेज मिलने वाले, तो अभी निकलते यहाँ से. ये रास्ता देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है, ये मुन्नार टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ पे. ऑब्वियसली मुन्नार तो कुछ अलग ही लेवल पे है, बट ऐसा लग रहा है कुछ कॉफ़ी प्लांटेशन चल रहा है यहाँ पे. सुंदर है यार, मस्त लगता है. ऐसे रोड पे गाड़ी चला के मज़ा आ जाता है, लिटरली इट्स हेवन फॉर कार एंथुजियास्ट. तो अभी हम लोग कित्तूर रोड पे है, यहाँ से NH 48 अराउंड 30-45 किलोमीटर्स है. तो जैसे NH 48 लगता है मैं आपको बता दूंगा. चलो कंटिन्यू करते हूँ अभी. जस्ट एंटरिंग NH 48 नाउ. ये देखो यहाँ से, और अभी ये कंटिन्यू करना है टिल मुंबई, और डिस्टेंस बता रहा है 521 किलोमीटर्स यहाँ से घर तक. तो अभी चलो फटाफट कंटिन्यू करते हैं. कोल्हापुर के पहले, मतलब बॉर्डर के पहले मैं पेट्रोल फ्यूल अप करवा लूँगा, क्योंकि हाफ टैंक ऑलरेडी बचा है और वहाँ पे 10 रुपीज़ सस्ता है. महाराष्ट्र में घुसूँगा तो 10 रुपीज़ वापस महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा मतलब ऑलरेडी है. चलो भाई कंटिन्यू करते हैं अभी. तो ये आज के दिन का पहला टोल ऑन NH 48, अशोका बेलगम धारवाड़ टोल. तो चलो अभी आगे बढ़ते धीरे धीरे. सो जस्ट क्रॉस्ड हट्टर की टोल प्लाजा. यहाँ से कोल्हापुर 74 किलोमीटर्स है, और जो बॉर्डर है वो आई एम अज्यूमिंग कि 84 किलोमीटर्स रहेगा, क्योंकि कोल्हापुर के बाद 10 किलोमीटर के बाद ही बॉर्डर है अपना महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर. तो उसके पहले अभी और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ 50-60 किलोमीटर चला लूँ इसी पेट्रोल पे, और इसके बाद फिर पूरा फुल कर दूँ टैंक HP या कोई भी जो पेट्रोल पंप मिल जाए वहाँ पे. तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं. तो जस्ट स्टॉप्ड हियर एट होटल कावेरी. तो ये बेसिकली वही स्पॉट है, गोवा फाटा जो इसको बोलते हैं. यहाँ से जो लेफ्ट टर्न है वो गोवा को जाता है, गोवा और वो अम्बोली घाट की तरफ. और ये सीधा रास्ता जो सीधा दिख रहा है वो मुंबई की तरफ है, और यहाँ पे बैंगलोर है. तो चलो अभी कुछ खाते हैं, और ब्रेक भी चाहिए मुझे, काफ़ी देर गाड़ी चला ली मैंने. तो अभी हम लोग जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे तो रुके नहीं, बट दूसरे होटल में आ गए, होटल गोवा वेस्ट में. तो यहाँ पे ओनियन उत्तपा खा रहे हैं अभी. चलो अभी एंजॉय करते हैं. मैंने हक्का नूडल ऑर्डर किया है, और मेरे फ्रेंड ने ओनियन उत्तपा ऑर्डर किया. चलो अभी खाते. तो यहाँ पे फ्यूल टॉप अप कर लिया मैंने, 2400 रुपये का पेट्रोल भर लिया. यहाँ पे रेट है 102.49 कुछ, और महाराष्ट्र में है 106. तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता गिर गया अपने को. बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर है. तो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से. सो आई हैव जस्ट एंटर्ड कोगनोली टोल प्लाजा. सो दिस इज एग्जैक्टली अ बॉर्डर. नाउ वी आर एंटरिंग महाराष्ट्र. तो ये टोल भरते हैं और आगे बढ़ते हैं.
आणि हे काय बघतोय मी, महाराष्ट्र राज्य आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे. काय सुंदर यार, एंट्री मस्त आहे, एकदम छान वाटलं. ऑल राईट, सो वी हॅव रीच्ड किणी टोल प्लाझा. किणी टोल प्लाझा पे आ गए हम लोग, अभी कंटिन्यू करते. सो नाऊ वी आर ॲट तासवडे पत्कर नाका. यहां से सातारा का डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर्स. तो अभी शाम के 7:15 बज रहे, तो देखते हैं अभी कितने देर में पहुंचते हैं मुंबई. मेरे हिसाब से तो 5-6 घंटे और लगने चाहिए लोनावला का ट्रैफिक और मुंबई का ट्रैफिक पकड़ के. तो चलो देखते हैं अभी, लेट्स सी. आई होप मुंबई में जो हम लोग की एंट्री है लेट हो, ताकि सिटी का ट्रैफिक ना फेस करना पड़े, स्पेसिफिकली नवी मुंबई का. तो वहाँ पे यू नो वाशी और नवी मुंबई कारगर, वहाँ पे फंसने का बहुत चांस है. तो लेट्स प्रे कि हम लोग की एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाए. चलो अभी देखते हैं. तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था इस चीज़ के लिए, कंदी पेड़े, काका पेड़े वाले, दिस इज़ फेमस. लास्ट टाइम भी लिया था तो अच्छा था. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. सातारा के आउटस्कर्ट्स में हूँ मैं अभी, एंड इट्स 8:38. चलो निकलते यहाँ से. तो जस्ट क्रॉस्ड खेड़ शिवापुर टोल नाका, इसके बाद एक्सप्रेस हाईवे अराउंड 20-30 किलोमीटर्स है, उससे थोड़ा कम ही रहेगा. तो अभी कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे. इट्स व्हाट 10:00 इन द नाइट. सुबह 9 बजे छोड़ी थी गाड़ी, ऑलमोस्ट 13 घंटे हो गए अभी. तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं. आई एम फ्रेश नाउ, मुझे नींद वगैरह कुछ नहीं आ रही है. तो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले कॉफ़ी भी पी थी, सो आई एम फीलिंग फ्रेश. तो चलो धीरे धीरे करते हैं कंटिन्यू. ऑल राइट, सो NH 48 अभी ख़त्म हो गया. नाउ वी आर अबाउट टू एंटर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे. तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगा दूंगा मैं, और आई विल कंटिन्यू माई जर्नी. 11 बज रहे रात के, और अप्रॉक्सीमेटली अभी भी जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यू नो 2 बजे बता रहा है. तो नाउ दिस इज़ ये लेफ्ट टर्न ले लिया मैंने, तो यहाँ पे अभी एक्सप्रेस हाईवे पे इंटर हो रहे हैं. अभी रात में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो सीधा अभी मैं घर पे ही मिलता हूँ. चलो निकलते यहाँ से. सो दिस इज़ प्रोबेबली माई लास्ट ब्रेक. आई एम एट खालापुर टोल प्लाजा नाउ, और ये फूड मॉल है देख लो. चलो अभी इडली खाते हैं और चाय पीते. ऑल राइट, सो इट्स 1:00 इन द नाइट एंड आई एम एट फूड मॉल. तो घर का डिस्टेंस यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है, तो जाते जाते 1 घंटा हो जाएगा. तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ वीडियो. तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. टोटल डिस्टेंस आई कवर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 850 किलोमीटर्स. तो अप्रॉक्सीमेट सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था मुझे, और मुझे 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 15 घंटे लगे. तो चलो गाइज, लेट्स एंड दिस वीडियो. प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू.